जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय और बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं आपको बता दूं कि जैसे कहते हैं ना कि तुलसी सूर कबीर बिहारी इनसे बोर्ड परीक्षा हारी, ये एक डायलॉग है, मारा जाता था क्लास टेंथ वालों के लिए पहले, आज से लगभग 4 या 5 साल पहले। लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल जी कई बार बोर्ड एग्ज़ाम क्लास ट्वेल्थ में साहित्यिक परिचय अपना लेकर आ चुके हैं। इनका साहित्यिक परिचय इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, जिससे आपको आपका आपके पेपर में आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिल जाएं। प्री बोर्ड में भी आता है और हाफ ईयरली में भी आता है, क्योंकि ये पहला ही चैप्टर है, तो आपके क्लास ट्वेल्थ के एग्ज़ाम के कोई भी एग्ज़ाम हो क्लास ट्वेल्थ में, उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे परिचय एक दृष्टि में। जैसे इसमें हम 5 चीज़ें देखेंगे, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु और रचनाएँ। इनका जन्म हुआ था सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में, मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम विष्णु अग्रवाल था, कहीं कहीं पर आपको कुछ और नाम देखने को मिल जाएंगे, लेकिन नाम था विष्णु अग्रवाल इनके पिताजी का। इनकी मृत्यु हुई थी वर्ष 1967 ईस्वी में, और 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। रचनाएँ हैं पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, वाग्धारा इत्यादि। मुझे लगता है 1967 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भी मृत्यु हो चुकी थी, तो उस समय भारत की स्थिति गंभीर थी, उस समय इनकी मृत्यु हुई थी। रचनाएं जरूर याद रखिएगा, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, वाग्धारा आदि। अब बढ़ते हैं साहित्यिक परिचय की तरफ। इनका साहित्यिक परिचय है, थोड़ा नीचे करेंगे यहाँ से। वासुदेव शरण अग्रवाल जी एक श्रेष्ठ साहित्यकार थे। ये भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति के विद्वान थे। ये काशी विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। अभी आप सोच रहे होंगे काशी विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में, तो ये भारतीय महाविद्यालय एक अफिलिएटेड कॉलेज था काशी विश्वविद्यालय से। जैसे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या काशी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो उससे अफिलिएटेड कई सारे कॉलेज होते हैं, तो ये एक कॉलेज था, उससे अफिलिएट था भारतीय महाविद्यालय। इसमें ये पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष थे। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा पुरस्कृत गद्यकार थे। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना में इनका प्रमुख योगदान था। इन्होंने जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपको पेपर में लिखनी हैं, आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी हैं, थोड़ी चीज़ें लिखनी हैं। जैसे कि आपको परिचय एक दृष्टि में डालना है, जन्म, जन्मस्थान, पिता का नाम, मृत्यु और रचनाएँ, 5 चीज़ें ये लिखनी हैं। उसके पास साहित्यिक परिचय में आना है, और इस साहित्यिक परिचय में इनका केवल इतिहास इतिहास है। जो भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं केवल ऐतिहासिक बताई गई हैं। साहित्यकार थे, इतिहास, कला, संस्कृति इनका प्राचीन विषय था, वो क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट था। और देखेंगे आप पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे, ये भी आपका फोकस पॉइंट है। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, पद्मावत और हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन किया, यानी कि फैक्ट वाली चीज़ें इन्होंने हिंदी साहित्य में जोड़ी, जिससे हिंदी साहित्य गौरवान्वित हुई। पहले कहानी कविता चलती थी, लेकिन जब इन्होंने फैक्ट लाना शुरू किया तो फैक्ट आप कहीं भी डालेंगे वो अपने आप में मजबूत होता चला जाता है। तो इन्होंने हिंदी को फैक्ट से भर दिया और इनका साहित्यिक परिचय यहीं पर समाप्त हो जाता है। इनकी कुछ रचनाएं हैं जिनको आप याद कर रख सकते हैं, इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृति, भारत की एकता, वाग्धारा आदि। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं, इनको आप याद रखिएगा। यही था इनके साहित्यिक परिचय में। आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि क्या क्या इनके साहित्यिक परिचय में था, मेनली तो इतिहास ही था। आपको पेपर में कैसे लिखना है, हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तरांक, फिर आप इनके नाम की हेडिंग डालेंगे, साहित्यिक परिचय, परिचय एक दृष्टि में आप पूरा लिखेंगे, फिर साहित्यिक परिचय लिखेंगे, और अंत में आकर आप ऐसे रचनाएं लिख देंगे। इतना आप करते हैं, 5 में से 5 नंबर मिलेगा। आपके पेपर के अच्छे जाने की हम आप बहुत बहुत शुभकामना करते हैं और बधाई देते हैं कि आप अगर ऐसा लिख कर आते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।